हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस शील्ड कि आप घर पर फेस शील्ड किस तरह से बना सकते हैं। ये मेरे पर वेस्ट घर पर ही पड़ी हुई प्लास्टिक शीट है। आप कोई भी शीट ले सकते हैं, बच्चों की जो फोल्डर्स होते हैं वाइट ट्रांसपेरेंट जो 5 और 10 रुपीज के आ जाते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें दो डबल शीट होती है, उससे दो बन जाएंगी, तो आप उससे भी बना सकते हैं। या घर पर कोई भी XYZ आपके पास कोई भी प्लास्टिक शीट हो, आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेजरमेंट। तो हमें विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है हमारी, वो मैंने यहाँ पर 10 इंचिस लिया है, यानी कि वो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकती है। आपके ईयर टू ईयर जितना भी है, राइट ईयर टू लेफ्ट ईयर, आप मेजर कर ले कितना इंचेस आपका आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेंथ मैंने यहाँ पे 9 इंचेस लिया है, तो आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए वेट पेपर है, ये बेडशीट का कवर था, प्लास्टिक कवर, उसके थ्रू मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इसको मैं यहाँ से मैंने मेजर किया है, इसको मैं यहाँ से और यहाँ तक अभी कट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर शीट को कट कर लिया है। आप इसको चाहे तो ये यहाँ से इस तरह से राउंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ कॉर्नर से 1 इंच इस तरह से मेजर कर लेना है, इस तरह से और इस तरह से, ये मैंने दिखाया हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको इस तरह से राउंड बनाते हुए इस तरह से इसको आप चाहे तो इस तरह से कटिंग कर ले। जो 1 इंचिस का है यहाँ पर, 1 इंचिस का ले ले आप कॉर्नर्स में, ये दो कॉर्नर्स में 1 इंच का इस तरह से लगा ले और फिर इसको करते हुए कर्व करते हुए इसको राउंड शेप में भी आप बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसको ये इसी तरह स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी स्क्वायर शेप में ही बनाऊंगी। तो उसके लिए अभी हमारा ये तैयार हो गया है। सबसे पहले हम ऊपर का बनाएंगे। उसके लिए ये हमारे जो बैग्स आते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे जो हैंड बैग्स आते हैं, पेपर बैग्स हैं, ये सॉरी क्लोथ बैग्स हैं, कपड़े का बैग है, उसको मैंने यहाँ से हाफ कर लिया है इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। इससे 2 से 3 4 बार आप जितना भी हो उसको फोल्ड कर ले, और इसको जितना भी बचा है इसको आप अंदर की साइड कर ले। इसको आपको फोरहेड के एरिया में लगाना है। आप चाहे तो इसको स्टिच कर ले, मैं यहाँ पर स्टिच नहीं करूँगी, मैं एक ही साथ इसको लगा दूंगी इस तरह से। आप इसको फोरहेड का जो एरिया होता है, माथे का जो एरिया होता है, उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर ले या स्टिच कर ले, जैसा भी आप चाहें वैसा आप कर ले। क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे इस तरह से तो थोड़ा सा कॉटन का होगा ये, तो आपके पसीने को भी एब्जॉर्ब करेगा और हेल्प करेगा, थोड़ा सॉफ्ट भी आपको लगेगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर इसको हल्का सा स्ट्रेच करूंगी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। मैं सिर्फ इसमें 3 टाके लगाऊंगी, एक दो कॉर्नर्स में और एक बीच में इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से। पूरा सिलने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको सपोर्ट दें ताकि ये सिर्फ रुका रहे इसके ऊपर। अभी मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ इस तरह से। मैं एक यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी, एक इसको सेंटर में मैं स्टिच करूँगी और एक इसको मैं एंड में स्टिच करूँगी। यहाँ मैं आपको चौक की एक यहाँ पर मैं स्टिच करूंगी, एक सेंटर में स्टिच करूंगी और एक मैं इसको यहाँ पर स्टिच करूंगी। स्टिच करके मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ कॉर्नर से, सेंटर से और दोनों साइड कॉर्नर से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से ये आपके ऊपर माथे पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहे तो इसको यहाँ से पूरा इस तरह से पूरा आप स्टिच कर सकते हैं, तो अच्छे से पक्का हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर हल्का सा व्हाइट टेप लगा देती हूँ, आप किसी भी टेप का यूज कर सकते हैं। आप इस तरह की टेप का यूज कर सकते हैं या आप इस तरह की टेप का यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ये वाली टेप का यूज कर रही हूँ। ये देखिए इस टेप की हेल्प से मैं यहाँ पर
इसको सिक्योर कर लूंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ की साइड लगा इस तरह से, तो आपका पूरा चिपक भी जाएगा। और चाहे तो किसी भी डबल साइडेड टेप का भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें आपको स्टिचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप इसको इस तरह से टेप लगाने के बाद आपने इधर की साइड से इसको भी सील कर लिया है और इसको भी सील कर लिया है। ये साइड के जो एजेस हैं मैंने ओपन छोड़ दिए हैं, एक्स्ट्रा जो था मैंने उसकी कटिंग कर दी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। इधर भी और इधर भी जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया और यहाँ दोनों साइड हम लोग इलास्टिक लगाएंगे। आप चाहे तो अगर आपकी जो ये साइड की एज होती है, अगर ये प्लास्टिक की शार्प है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी टेप लेके, मैं यहाँ व्हाइट टेप लेके दिखा रही हूँ, छोटा सा पोर्शन मैं आपको लेके दिखा रही हूँ, पर मैं नहीं कर रही क्योंकि इतनी शार्प नहीं है, इसमें टेप लगाने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पर इस तरह से कोई भी टेप लगाएं और इसको इस तरह से मोड़ दें। आप चाहे तो कपड़ा भी स्टिच कर सकते हैं इस तरह से, रिबन वगैरह जो होता है इस तरह से आप सारे में लगा लें इस तरह से यहाँ पर, तो ये आपको साइड के जो एजेस है वो चुभेंगे भी नहीं। अभी मैं यहाँ पर एंड में इसमें आप चाहे तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं, या इस तरह की जो धागा जो है टाइट है, कोई भी धागा का बना सकते हैं आप, रिबन का बना सकते हैं, तो यहाँ पर सिल लें और उसको आप बांधने वाला भी बना सकते हैं, और इलास्टिक के थ्रू, इस वाले इलास्टिक के थ्रू आप इसको एडजस्टेबल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेकर के इसको इस तरह से मैं यहाँ पर इसको स्टिच करके अभी आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह की जो पंचिंग मशीन होती है, इसको इस तरह से लगा करके कट करके और धागे में इस तरह से आप इसको बना करके लगा सकते हैं और ये आपका बांधने वाला सिस्टम बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, आप इसको इस तरह से जो है इलास्टिक जो है इसको अपने कपड़े के अंदर इस तरह से डालिए इस तरह से, और आप इसको यहाँ से स्टिच करें और आप हल्का सा मोड़ के इसको ये दूसरी साइड भी इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से है, ओपन है ये, तो जितना भी है इस तरह से इसको इसमें डाल के आप स्टिच करें। मैं भी स्टिच करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया। आप चाहे तो मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं और उसके बाद इसको टेप से कवर कर सकते हैं और भी आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हैंड से स्टिच किया सुई धागे से, इस तरह से दोनों तरफ से मैंने स्टिच किया और इस तरह से ये आपकी फेस शील्ड बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से ये आपकी होममेड फेस शील्ड बन गई है। ये मैंने आपको बताया, अगर आपकी प्लास्टिक थोड़ी सी शार्प एजेस की है, आप तो या तो इसे आयरन से थोड़ा सा गर्म करके इसको लगा सकते हैं तो भी सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे बहुत सॉफ्ट है, ज्यादा आपको हार्श नहीं लगेगी फेस पर, ना कटेगा इससे। अगर आपको हार्श लगती है या आपको और भी ब्यूटीफुल इसको बनाना है, तो किसी और भी कलरफुल टेप या कलरफुल कपड़े से इस तरह से आप इसकी क्या कहते हैं बाउंड्री पर कवर कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, टेप लगा सकते हैं या और भी कोई क्लोथ लगा सकते हैं। आप इसको नीचे से राउंड शेप में कर सकते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया था 1 इंच का लेकर के इस तरह से कर्व बना दे तो ये राउंड शेप में भी बन जाएगी। इस तरह से आपकी ये होममेड फेस शील्ड बनकर रेडी हो गई है। आप इसको यूज कीजिए और घर पर बनाइए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।